बिसमिल्ल रन रहीम अल्लाम फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और इजी सी टी स्नैक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वेज पटैटो बॉल्स की तो चलिए शुरू करते हैं अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें फैमिली और फ्रेंड्स के साथ तो बहुत ही मज़ेदार और इजी टी टाइम स्नैक बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है तीन मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं अच्छा इनको नमक डाल के उबाल लिया था और अब इनको अच्छे से मैश कर लिया है अब इसमें एक चम्मच ब्री कटा हुआ प्याज डाल देना है दो हरी मिर्चें बरी कटी हुई डाल देनी है थोड़ा सा बरी कटा हुआ इसमें हरा धनिया शामिल करना है और एक ग्रेट करके गाजर डाल देनी है इसमें कलरफुल सा देखिए कितना प्यारा लग रहा है तो अब इसमें दो चम्मच कॉर्नफ्लोर के डाल देने हैं और दो चम्मच चावल का आटा डालना है इसमें अब इसमें आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर डालना है आधा चम्मच नमक डाल देना है इसमें और अब इसमें एक चौथाई चम्मच लहसुन का पाउडर डाल देना है इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा बॉल्स में और बहुत ही खुशबूदार ये पोटैटो बॉल्स बनेंगी तो ये देखिए अच्छे से इसको आटे की तरह देखिए गोंद लिया है और ये इस फॉर्म में होना चाहिए इससे पतला नहीं होना चाहिए तो ये देखिए हाथ से बहुत इजीली ये शेप दे ली है इसी तरीके से तमाम बॉल्स तैयार कर लेने हैं तो ये देखिए ये वेज पोटैटो बॉल्स इस तरीके से तैयार हो गए हैं और ये सबको शेप दे ली है अब इस पर कोटिंग नहीं करनी क्योंकि इसके अंदर चावल का आटा और कॉर्नफ्लॉर है तो मीडियम टू तो हाई फ्लेम पर ऑयल गर्म हो गया अब इसमें तमाम बॉल्स इस तरीके से रखते जाने हैं और क्योंकि इसमें कॉन फ्लोर और राइस फ्लोर है तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फ़्राई हो जाएंगे और बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे बस चम्मच के साथ हल्के हल्के इनकी साइडें चेंज कर लेनी है ताकि ज़बरदस्त सा कलर आ जाए पोटैटो बॉल्स का हर साइड से फ्लेम इस वक्त मीडियम टू हाई है और ये बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त तैयार होंगे तो देखिए कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर हो गया बस अब इनको ऑयल से निकाल लेना है और ये तैयार हो गए बहुत ही टेस्टी झटपट से तैयार होने वाले वेज पटैटो बॉल्स तो अगर इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए तो मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ अल्लाह हाफिज़